अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अल हसनैन शाह, तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल नकवी कनवाल। उम्मीद करें अल्लाह के फजल ना करम ना सब दोस्त भरा ठीक हो। सो जैसा कि कल तुम दस्या ही, कल 18 तारीख है, अज 19 तारीख है। अज इफ्तिताह है साढ़े को क्रिकेट का, जो 23 मार्च के हवाले टूर्नामेंट होता। तो कमेटी भाई इमरान हो रही अज आए मौजूद हैं जनाब, तो थोड़ी देर तो बाद इफ्तिताह हो सी थोड़े शेयर कर सा। नवा बिरा कोई भी मैं चैनल को सब्सक्राइब कर छोड़ है, तो वीडियो के नाल रस आज की मज़ेदार वीडियो बन सी भाई कमरान तो भाई फखर होरी ला रहे हैं ना, थोड़े बे वक्फे वक्फे लाई बंद। चलो ये थोड़े दूर दिस वैसे ही सोटी दी थोड़ी वड्डी लगी हुई है झंडे पे। कमरान ने प्रैक्टिस चंगी की थी है। मैं छक्के भी दसेंद रहा वो मैं इतने मारे ने नाल इन्हें तो मेरे बाण भी नहीं देंदे पे। पर एक्सरटेज में 15 साल बाद खेडे हाँ वो तो वह होना ही आगे भाई इमरान और मौजूद हैं। कल भी मैं इन्होंने जिक्र किया कमेटी में है जनाब, सारे बंदोबस्त वन टू वाले करा रहे हैं जनाब। तेने को थोड़ा जहा पुछते हैं भाई इमरान, साल तो बाद आ रहे हैं बना रहे, कैसा महसूस हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उर्दू स्पीकिंग करूँगा चूँकि मादरी जबान पंजाबी ज़रूर है लेकिन कौमी जबान हमारी उर्दू है। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये पूरे साल की हमारी मेहनत होती है और इस दफ़ा अच्छा काम ये हुआ है कि 2023 में हमने KCA कनवाल क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से बाकायदा एक बोर्ड को तश्कील दिया है जो इंतज़ामी अमूर ज़ाब्ता अखलाक और मुकम्मल कनवाल क्रिकेट प्रमोशन के लिए काम करेगा, जिसमें मलक जैद अयूब और अफसोनी चेयरमैन है, मैं बताते खुद वाइस चेयरमैन हूँ इस एसोसिएशन का, काजी इमरान और मलक कामरान सीनियर मेंबर होंगे इस एसोसिएशन के। इंशाल्लाह अजीज जनाब बड़े पुरजोश हैं, हमारे 12 क्लब है इस दफ़ा और यूनियन काउंसिल की तरफ से कहाना एक नई टीम हमारे अंदर आई है। पहले 11 क्लब थे हमारे और शहीदों के नाम से है लेकिन PSL की तरफ से और कराची किंग के नाम से सैयद आले हसनैन और मुख्तार साजन इमदाद हुसैन भाई, इन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और ये भी बड़ी टीम पुरजोश है और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कराची किंग की तरह ही खेलेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। और हमारी तमाम शायकीने क्रिकेट और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखें और हमारे लिए अच्छी सी सजेशन भी देते रहें। जी शाह जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهداء پاکستان شهداء کنوال کرکٹ ٹورنامنٹ 2023 कनवाल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आपका मेजबान मोहम्मद इमरान जलाल आपसे मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आज की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से करना चाहूँगा। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मुनव्वर उर्फ काका ऑफ ड्यूटी था। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين तिलावत कलाम पाक के बाद मैं मुल्तमिस हूँ काजी मोहम्मद इसरार अहमद साहब से कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जनाब काजी इसरार साहब सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, कोई मिसल मुस्तफा का नहीं था ना है
होगा किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा कोई मिसल मुस्तफा का उन्हें खल्क करके नाजा खुद ही दस्ते खुद उन्हें खल्क करके नाजा खुद ही दस्ते खुद कोई शाहकार ऐसा कभी था और तमाम मेरे सीनियर खिलाड़ी जो इधर मौजूद हैं और मेरे लिए लफ्ज अच्छा नहीं है जूनियर खिलाड़ी, लेकिन चूंकि इसके मुतबादल अल्फाज नहीं है मेरे छोटे भाई जितने भी हैं उनकी मौजूदगी में मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ। एक सबसे पहले तो मैं अपनी मेहमान टीम जो इस अपनी पीएसएल क्रिकेट की खातर अपनी टीमों को वो नाम दिए हैं और इंशाल्लाह अजीज ये हमारा जो शेड्यूल है ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल तर्ज पे होगा। जिस तरह के 96 में हमारा वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था इंशाल्लाह अजीज उस तर्ज पे हमारे ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होगा। हमारे हर दफा टूर्नामेंट का आगाज किसी न किसी शोदा की फैमिली से होता है। इस दफा उस्ताद मोहतरम की मशावरत से शहीद साजिद महमूद उनके वाला साहब हमारे दरमियान अंकल शबीर साहब मौजूद हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं और उनके दस्ते मुबारक से आज के टूर्नामेंट का इंशाल्लाह जी इफ्तिताह होगा। अभी मैं मुल्तबिस हूँ जनाब उस्ताद मोहतरम काजी मोहम्मद फयाज साहब से कि वो टूर्नामेंट के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पहले अपलोड हो चुका है सोशल मीडिया पे, लेकिन अपने हवाले से वो अपने नजरियात का अपने ख्याल का इजहार करें। आप सब की भरपूर तालियों में सादे मोहतरम काजी मोहम्मद फयाज साहब। एक तो मैं इस इंतजामिया का शुक्र गुजार हूँ कि ये टूर्नामेंट मैं वालीबॉल वालों को खास तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ, ये खुद करा रहे हैं। ये तो आपको पता है कि 20 साल हो गए तकरीब को शुरू हुए, आप में से चंद नौजवान ऐसे होंगे कि जो कि पैदा नहीं हुए, तो इफ्तिताह हमेशा अच्छा होता है किसी शहीद के। अदर साहब तशरीफ ले हुई मैं इनका मेरी तमन्ना थी, मैं काफ़ी अरसे से इनके गुजार कर रहा था कि मैं अब ये काम किसी और के जिम्मे करना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये काम संभालें, मैंने बड़ा कर लिया तो आप इस काम को, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता खासतौर पर मेरे अजीज वाली वाल वाले, हर दफ़ा उनको कहता था कि ये काम संभालो, 20 साल हो गए हैं अब ये काम इतना फैल चुका है, खासतौर पर 23 मार्च की तकरीब में जो लोग आते हैं उनको पता है कि कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो मैंने उनको भी उस दफ़ा भी 3 बातें मैंने हमेशा कहता हूँ, उन पर ही अमल करना है तो ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। इसको सियासत से दूर रखना है, मसलक से दूर रखना है और कौमियत से दूर रखना है। मेरे ऊपर बड़े बड़े दबाव आते हैं खासतौर पर 23 मार्च को मिनिस्टर को बुलाओ जी, फलां को बुलाओ, इतने फंड जाएंगे, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया और आपको भी मशवरा दूंगा कि शोदा के वर्सा के अलावा किसी को मैं माने खसूसी नहीं।
चाहे कोई सियासी हो चाहे जो भी हो, ये इस चीज को रखना है। दूसरा इस टूर्नामेंट से ये उजागर ना हो कि ये किसी शिया का है किसी सुन्नी का है, मसलक से भी दूर रखना है और कमियत से भी, ये सिर्फ काजी साहब का ही है जी, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं। तो ये तीन चीजें साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह ये ता याद चलता रहेगा। मैं हूँ आप हैं, दूसरी तौर पे मैं जो अजीज आए हुए कहाना से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जब क्रिकेट आठ बॉल पांच बॉल की थी पिछले जमाने में, यहाँ से साइकिल पे कहाना पिछले टायर जाता था, आठ बॉल का बड़ा 30-35 साल पहले की बात है। तो ये पहली दफ़ा है, मैंने सिर्फ मशावरत की है लोगों के साथ नाम चेंज करने में, कि नाम चेंज करें इसलिए कि कुछ तजर्बा कुछ सिखा देते हैं कि ये चीज़ आने वाले वक्त में मसला बनेगी। तो शुदा हमारे सर का ताज है, नाम क्लब्स के चेंज मैंने मेरी मर्जी से हुए हैं। काना वालों को जो नाम दिया गया था वो मैच नहीं कर रहा था इनके नाम के साथ, वो अजीब सा हो जाता था, तो मैंने इनको लाइंस का इनका नाम मैंने चेंज करके दिया है। इसलिए कि ये दूसरी टीम को पसंद दूसरी से लेके इनको दिया है कि ये जब गाना साथ लगता था तो वो मैच ठीक नहीं होता था, तो लड़कों की जबान पे नहीं आ रहा था, तो मैंने इन चेंज किया। बाकी नाम चेंज करने में देने में ये इनका अपना मसला इन मुझे मैं दोबारा वॉलीबॉल वाले कल से पीछे पड़े हुए हैं कि क्रिकेट वालों का हो रहा है, तो मेरा कोई तल्लुक नहीं इनकी टाइयों से इनके क्लब से। मैं यहाँ आ गया हूँ, इन्होंने मुझे जिस तरह आप आए मुझे भी दावत दी, जब्ते अखलाक जो उन्होंने जारी किया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। माशाल्लाह मुझे किड्स बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये है कि ये टूर्नामेंट एक मुकम्मल तौर पे आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइज हो जाए, इसके मुताबिक चले, वरना शर्ट के बगैर शलवार में भी दूसरी चीज़ में भी आप खेल सकते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिस लोगों ने ये ग्राउंड दिया है, पिछली दफ़ा उधर था, इमरान ने बात की है कि कोई ग्राउंड हमें बना के दिए, बेटर भूल जाओ हम भी खेलते, तो जिस तरह मांगते मांगते दरख्वास्तें लिखते आते चले गए, आप भी चले जाएंगे, अपना बंदोबस्त खुद करना है, जिस तरह ये किया है अगले साल कहीं और कर लें, ये भूल जाए कि आपको ग्राउंड बना के देगा, ये दिमाग से ही निकाल दें। अब एक इंच जमीन कोई नहीं देता, जब बनाने का वक्त था उस वक्त हमने बनाए नहीं, अब अगर कहे ना कि हमें कोई जमीन लेके ऊपर ग्राउंड बना देगा, ये आप भूल जाए, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है तो इसी तरह चलाओ, इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। मुझे ज्यादा तंग नहीं करना, बीमार बंदा हूँ, मैंने स्कूल में भी एक्टिविटीज़ बहुत कम कर दी है, आप लोगों की मोहब्बत है, इमरान का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक चलेंगे, मैं इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आता रहूंगा। 23 मार्च के हवाले से मैं बताता चलूँ कि 23 मार्च जिस तक धूमधाम से होता था इसलिए कैंसिल किया कि पहला रोज है मुतवक्को है, अगर हम उस दिन रख लें पहले रोजे वाले दिन, तो मकसद तो हमारा 23 मार्च है, ये गेम्स नहीं है, गेम्स उसके साथ जुड़ी हुई है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो इंशाल्लाह तकरीब तकसीम नमात आपके मशवरे से 14 को करेंगे, 14 अगस्त को या पहले या बाद में, वो इंशाल्लाह वो दिन हम जरूर करेंगे। तो आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मैं खास तौर पर जो मेरे अजीज आए हैं गाना से, इनको कोई शिकायत आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, जायज शिकायत, गेम में कोई नौरियात नहीं होती, लेकिन किसी का हक जो मारना ये जेन ले करना जाए कि हम उधर से आए हमारे साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ ज्यादती होगी तो फिर मैं जरूर यहाँ आऊंगा। मैं कतन नहीं कहता कि इनका चौका है तो आप छक्का दें, ये बेकदीर कसम भी नहीं कहूंगा कि इनके आप कहेंगे ये सर हमारे साथ जाती होगी हमारे छक्का, अगर चौका है तो चौका ही मिलेगा, हाँ अगर छक्का है तो चौका मिले तो फिर इससे बात, ये इंशाल्लाह आपके साथी हैं, आपसे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, खेलना आपने अपना अपना ही है, इसमें कोई रियायत नहीं है जी। बना थैंक यू काना से हमारी मेहमान टीम पहली दफा आई है, बाकी तमाम हमारे खिलाड़ियों को पता है हमारे शेड्यूल, इफ्तिताही जो तकरीब होती है उसमें हम अपने खिलाड़ियों से बाकायदा एक हलफ लेते हैं ताकि हमारे जितने खिलाड़ी हैं वो इस जाब्ता के तहत और इस जाब्ता के पाबंद रहें, ताकि क्रिकेट की भी इसी में खूबसूरती है, डिसिप्लिन के साथ खेल भी उजागर होता है और उसकी खूबसूरती होती है, इसलिए मैं अपने तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा
फ्रंट पे आ जाएं ताकि बाकायदा उनसे हेल्प ली जाए। बच्चे पीछे हो खिलाड़ी अगे आ वे जेड़े भी अच्छा, जरूरी नहीं मेरे दबाई तौर पे पहले शोदा के लिए दुआ करवा लेते हैं और खिलाड़ी हजरात जितनी भी टीमें हैं वो विकेट पे तशरीफ ले जाएंगे और उधर ही हलफ हो जाएगा। अभी बाकी सब इधर ही रहेंगे लेकिन सबसे पहले अभी इज्तमाई तौर पे शोदाए पाकिस्तान शोदाए कदवाल के लिए इज्तमाई तौर पे फैताखानी कर लेते हैं। खिलाड़ी काबीना को अलफ जड़ा है वो अदर साहब ले सन ते बाकी प्लेयर को चेयरमैन ले सी कनवाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं मलक जैद साहब, चेयरमैन मलक जैद साहब, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, काजी मोहम्मद इमरान और मलक कामरान सीनियर इमरान है और उसके अलावा फाइनेंस के लिए काजी अनवार और अदील एडवोकेट और मीडिया सेल में अवैध साहब है। ये काइंडली विकेट पे और बाकी तमाम खिलाड़ी तशरीफ ले जाए। मैं अर्ज उठाता हूँ जो जिम्मेदारी आयद की गई है उसे सर अंजाम दूंगा और ये कि कोई ऐसा फेल करने से गुरेजान करूंगा जिससे इस एसोसिएशन पर हर्फ आए और ये कि हर वो काम करने की कोशिश करूंगा जिससे इस एसोसिएशन का नाम रोशन हो हमेशा गैर जानबदार रहकर अपना काम करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और नुसरत फरमाए आमीन आमीन। मैं इस बात का ऐद करता हूँ कि कदवाल क्रिकेट एसोसिएशन के तेरे इंतजाम मुनक़िदा सालाना शोदाए कदवाल क्रिकेट टूर्नामेंट मैं बतौर खिलाड़ी इंतजामिया की तरफ से आयद करदा कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल पासदारी करूंगा और ये कि मैं दौरान टूर्नामेंट कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा फेल सा जद ना हो कि जिससे टूर्नामेंट में खलल पैदा हो। एसोसिएशन के आयद करदा तमाम कवानीन की पाबंदी मेरी अवलीन तरजीह होगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो आमीन। सर जी कौमी तराना तो उस बात Oh, my God.
पाकिस्तान। कौन जितन जी कौन जी कौन जी चलो ठीक है चलो जी फील्डिंग कर जा अलावा तकरीबन त्रै बाल बीट हो चौथे चक्कर लगा चौका भी लग गया तो नौ बाल भी हो गए तकरीबन गाने वाली टीम चल गई है ते 140 स्कोर इस टीमा करना उन 139 बनाए इन्होंने जितने वास्ते 140 स्कोर चाहिए 18 रन वेदिया के बनना बहुत ही अच्छा मैच हो रहा तकरीबन 139 स्कोर इन्हें किए 140 करके तो उन्हें जितना मैच देखो मैच हों पे अभी वेदे पे ग्राउंड तो बाद उसी नाल रहा तुम दसें अपडेट मैच शायद भाई ते उमर भाई आए ओपनर पहली बॉल ते चौका मारे ने मजीद तोड़ना लगो शेयर कर सा मैच एंड ते जितते केड़े धरते केड़े वाइट आई है यार वाली ठीक है थोड़ी स्पीड में की छक्का ma
12 बाला 26 स्कोर चाहिए। भाई सफीद चल रहा, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा। बड़ी बॉल, छक्का। वाइड बॉल आई है। पूरे हो गए तकरीबन डेढ़ लग गया। एक छक्के दे स्कोर रह गया तकरीबन इतने ही ना। तकरीबन जीत गई है भाई शहद अली टीम। खाना क्लब जड़ा हार गया, चार बाल रहा दी अज तक। बाकी आज की वीडियो के व्यंग करें, उम्मीद करें वीडियो तुम पसंद आ। अगर पसंद आवे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। तुम्हारा मौका किसी नैक्सट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।